अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में और प्राइवेट कंपनियों में आईटीआई फ्रेशर्स के लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज आती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को यह पता ही नहीं होता कि अप्रेंटिसशिप होती क्या है, अप्रेंटिसशिप करते कैसे हैं और अप्रेंटिसशिप करने का क्या क्या फायदा होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप आखिर होता क्या है और कौन इसे कर सकता है, और आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आखिर अप्रेंटिसशिप करना क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कमल शर्मा, आपका होस्ट, दोस्त और बड़ा भाई, और आप देख रहे हैं शर्म इन शाला। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप्रेंटिसशिप करने के क्या क्या फायदे हैं और इसको सरकारी या प्राइवेट कहां से करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, हम जब भी कोई अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज को देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले सवाल यही आता है कि आखिर अप्रेंटिसशिप होता क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। सरल शब्दों में कहें, अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का प्रशिक्षण प्रणाली यानी ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें आपको काम करने के सारे तरीके सिखाए जाते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में होने वाले काम को सिखाया जाता है कि इंडस्ट्री में आखिर काम कैसे किया जाता है, वहां पर कैसा एनवायरमेंट होता है, और आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई किया है आपको उससे रिलेटेड काम सिखाया जाता है। आपको इसमें एक साल की ट्रेनिंग कराई जाती है जिसके लिए आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या होता है। तो दोस्तों, पहला फायदा तो यह है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है, और दूसरा फायदा यह है कि आपको अप्रेंटिसशिप के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। उससे आगे जाकर आपको गवर्नमेंट सेक्टर की टेक्निकल वैकेंसीज में 5-10% तक छूट भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वह कंपनी आपको एक साल के अप्रेंटिसशिप के बाद परमानेंट जॉब भी ऑफर कर देती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको अपने स्किल्स बढ़ाने के साथ साथ पैसा कमाने का मौका भी मिल जाता है। तो देखा जाए तो इसके फायदे ही फायदे हैं। अब बात आती है कि आप अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में कैसे पता करोगे। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि समय समय पर अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज निकलती रहती है, तो उसके लिए आप कहीं भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट या फिर हमारे श्रम इन जॉब्स पोर्टल की हेल्प से अपनी पसंद की कंपनी में अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर देंगे और एक साल की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको डीजीटी के तरफ से एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब अगर इसकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 10वीं के बाद आईटीआई करके अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने की मिनिमम एज 16 साल है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि उनको अप्रेंटिसशिप आखिर करनी कहां से चाहिए, सरकारी डिपार्टमेंट से या प्राइवेट कंपनी से। कहां से अप्रेंटिसशिप करना उनके फ्यूचर के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जो अप्रेंटिसशिप का मौका देते हैं, जैसे रेलवे, डीआरडीओ, ओएनजीसी, बीएचईएल, इसरो आदि। इनमें अप्रेंटिसशिप करने का सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिल जाता है कि आप जिस भी सरकारी कंपनी से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद अगर आप उसी कंपनी में परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपको काफी हद तक छूट भी देती है, जिससे आपका सरकारी नौकरी लगने का आधा रास्ता लगभग क्लियर हो जाता है। इसके साथ ही आप किसी भी प्राइवेट कंपनी जैसे L&T, मारुति सुजुकी, टाटा ग्रुप आदि कंपनियों में भी अप्रेंटिसशिप करके आगे उसी कंपनी में परमानेंट जॉब भी कर सकते हैं, जो हमने आपको अभी ऊपर बताया भी है। इसके अलावा एक विशेष टिप यह है कि अपनी अप्रेंटिसशिप के दौरान कड़ी मेहनत करें, अपने सीनियर से मार्गदर्शन ले और इंडस्ट्री वर्कशॉप में एक्सपर्ट से अपने सवालों को खुलकर पूछें। यह आपके कैरियर के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। तो इस जानकारी से साफ हो जाता है कि आईटीआई कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना आपके लिए कितना जरूरी है।
इसको करके आप अपने रिलेटेड फील्ड में काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, जो आपको आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी जॉब दिलाने में और बेस्ट कैरियर बनाने में मदद करती है। तो आईटीआई को पूरा करने के बाद आपको खाली बैठने का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुरंत अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करें। अगर आप एक आईटीआई या डिप्लोमा पास स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर आईटीआई और डिप्लोमा से रिलेटेड सभी जॉब और अप्रेंटिसशिप की इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए शामिन शाला। नमस्कार। शामिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं, आज ही शामिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।